नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज जब सुबह एक यात्री दर्शक ने रेलवे टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट भेजा कि अमृतसर से दरभंगा के बीच चलने वाली 15212 जननायक एक्सप्रेस 57 घंटे लेट है, तो यकीन नहीं हुआ। 44 घंटे तक लेट चलने वाली ट्रेन से हम अब तक सामान्य हो चुके थे, मगर 57 घंटे ट्रेन लेट चलती होगी, इसी सूचना को ग्रहण करने की मानसिक तैयारी मेरी नहीं थी। जननायक एक्सप्रेस अमृतसर से दरभंगा के बीच चलती है, इसमें सारी बोगी जनरल की होती है, क्योंकि इससे बिहार के मजदूर पंजाब मजदूरी करने जाते हैं और सस्ते श्रम के बदले दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हैं। भारत के मजदूरों के समय की कीमत नहीं है, आप जानते हैं। दरभंगा से खुलने वाली जननायक एक्सप्रेस सोमवार को रद्द कर दी गई। मंगलवार को जब चली थी तब भी 3 घंटे लेट हो गई। जनरल बोगी में, जिसमें कोई खास सुविधा नहीं होती, अगर कोई 57 घंटे लेट यात्रा करे तो उस मजदूर की आधी छुट्टी तो मिट्टी में चली ही जाएगी, उसकी अपनी हालत कितनी खराब हो जाएगी, बच्चों की क्या हालत होती होगी, वो घर जाकर अपने परिवार के साथ क्या रहेगा और किससे क्या मिलेगा। हमने 15212 जननायक एक्सप्रेस जो अमृतसर से दरभंगा के बीच चलती है उसका हाल देखा वेबसाइट पर। हमारे काम में मदद कर रहे शिवांक ने बताया कि 15212 नंबर की ट्रेन 13 अक्टूबर 2017 के दिन 71 घंटे लेट थी। कितनी? 71 घंटे। हम कहां 44 घंटे लेट पर गश खा रहे थे, ये ट्रेन 71 घंटे की देरी से भी चलने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। इसके बावजूद हमारे रेल मंत्री मीडिया के लेखों में डायनेमिक रेल मिनिस्टर कहलाते हैं, इसीलिए मैं ये सीरीज दिखा रहा हूं कि एक डायनेमिक रेल मिनिस्टर के होने का कुछ तो फायदा हो कि 71 घंटे लेट ट्रेन चलने वाली ट्रेन समय पर चले। जननायक एक्सप्रेस का अगर आप इस हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो 3 मई को जिस ट्रेन को सुबह 3 बजे दरभंगा पहुंचना था वो 4 तारीख को सुबह 5 बजे दरभंगा पहुंची, 26 घंटे लेट। 4 तारीख की ट्रेन 5 मई को 33 घंटे की देरी से दरभंगा पहुंची अमृतसर से, 5 तारीख की ट्रेन 6 मई को 27 घंटे की देरी से दरभंगा पहुंची अमृतसर से, 6 तारीख की ट्रेन 8 मई को 58 घंटे 35 मिनट की देरी से दरभंगा पहुंची। डायनेमिक रेल मिनिस्टर जी, जरा सा ध्यान से सुने। 7 मई की ट्रेन 8 मई को 26 घंटे 40 मिनट की देरी से दरभंगा पहुंची है। एक दिन में दो ट्रेन अमृतसर से दरभंगा पहुंचती है। नाम से तो लगता है कि जननायक ट्रेन में जनता ही नायक है, मगर इस ट्रेन में चलने वाली जनता का हाल बुरा है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसमें एसी नहीं है, स्लीपर भी नहीं है, जनरल बोगी है, मजदूर लोग चलते हैं। दरभंगा स्टेशन पर हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता ने अमृतसर के लिए तैयार हो रही जननायक एक्सप्रेस का हाल लिया। वॉशिंग पिट पर ही लोग बोगी में सवार होने के लिए चले जा रहे थे। यात्रियों का धीरज जवाब दे देता है, सीट रिजर्व नहीं होती है, इसलिए यात्री वॉशिंग पिट से ही सीट छेकने के लिए बोगी में घुसने लगते हैं। जहां सफाई होगी वहां अगर यात्री चढ़ेंगे तो जाहिर है गाड़ी की सफाई भी नहीं हो पाएगी। यात्रियों की संख्या इतनी है कि किसी को भरोसा नहीं कि पहले सीट नहीं ली तो मिलेगी भी। और आप देखिए औरतें किस तरह से किस हाल में जा रही हैं। प्रमोद गुप्ता ने जब यह रिकॉर्डिंग की तो ट्रेन में बिजली ऑन नहीं हुई थी, मगर यात्रियों के हाथ में पंखा बता रहा है कि उन्हें बिजली का कितना भरोसा है। पता नहीं कल भी ट्रेन अभी हो गया था, बंद हो गया था। खाने पीने में दिक्कत होता है, पानी पीने के लिए भी उतरना पड़ता है, एक तो ट्रेन लेट रहती है, दूसरा गर्मी रहता है, पंखा भी नहीं चलता रहता है, तो फिर हम लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए पानी साथ में लेकर के चलते हैं, बच्चे बुच्चे साथ में रहते हैं। लेट ट्रेन होने से हम लोगों को समय से घर नहीं पहुँच पाते हैं, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहीं रुकती है, कहीं बस दो घंटा रुक ही जाती है, चलती फिरती नहीं रहती है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, उनके ट्विटर हैंडल पर लोग लगातार लिख रहे हैं, रेल मंत्री जी प्लीज कुछ कीजिए, कहीं ट्रेन रुकवाइए या जल्दी कीजिए, हमारी गाड़ी को पहुंचवाइए। एक और चीज हमने नोटिस किया, रेलवे वेबसाइट की जानकारी और रेलवे स्टेशन की जानकारी में भी कई बार अंतर दिख जाता है। प्रधानमंत्री खुद को कामदार कहते हैं तो कम से कम कामगारों को लेकर चलने वाली ट्रेन अगले हफ्ते से सोमवार से समय पर चलने लगे, ना कि 57 घंटे लेट चले, ये अच्छा नहीं है ना। अगर तो प्रधानमंत्री खुद को कामदार कहें और कामगारों की ट्रेन पहुंच ही नहीं पा रही है, मालदारों वाली ट्रेन ही क्यों समय पर चल रही है। हवाई चप्पल वाले अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो भारतीय रेल में वो कौन लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। आजकल बुलेट ट्रेन का विज्ञापन आने लगा है, जहां भी रेलवे की शिकायत कीजिए वो बुलेट ट्रेन का विज्ञापन आ जाता है, वो ठीक है, लेकिन बाकी ट्रेनों की बुलेट ट्रेन से क्या दुश्मनी, उन्होंने क्या बिगाड़ा बुलेट ट्रेन का। पटना कोटा एक्सप्रेस का हाल बता रहा हूं, 29 अक्टूबर 2017 के दिन, ये शिवांग ने बताया कि यह ट्रेन 68 घंटे 68 आवर्स इन इंग्लिश लेट थी। इस ट्रेन के कारण एक छात्र का भविष्य बर्बाद हो गया। वह कई दिनों से मुझे सूचना भेज रहा था कि भारतीय रेल की देरी के कारण वह उस परीक्षा में शामिल नहीं हो सका जिसकी तैयारी वो 3 साल से कर रहा था।
उत्तर प्रदेश से कोटा तक का कंफर्म टिकट 27/4/18 को यह सोच कर लिया ताकि हम परीक्षा से एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि कोटा से उदयपुर भी तो जाना था जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन सारी तैयारी और सारी योजनाएं इस पंगू सिस्टम के सामने सब धरी की धरी रह गई और हम परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। हमारी 3 साल की मेहनत तैयारी सारी पानी में बह चुकी थी और हमारे पास रोने के अलावा कुछ और बचा नहीं। बताइए रोहित की 3 साल की तैयारी, अनुराग की 3 साल की और इनके दोस्त रोहित की 3 साल की तैयारी बर्बाद हो गई। ना जाने ऐसे कितने छात्रों और लोगों के साथ ये नुकसान हुआ होगा। मगर एक मिनट के लिए ठहर कर सोचिए, 3 साल की तैयारी होगी और पटना कोटा के समय पर ना पहुंचने के कारण परीक्षा ना दे पाया कोई। कायदे से रेलवे को इस छात्र को बुलाकर अपने यहाँ नौकरी दे देनी चाहिए। पटना कोटा एक्सप्रेस 2 नंबर से चलती है। आज 12237 नंबर की पटना कोटा एक्सप्रेस राइट टाइम खुली है। रेल मंत्रालय को देखना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं और जब तक पहुंच जा रहे हैं वहां। जब हमने 7:26 पर शाम गोरखपुर स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेन गाड़ियों का हाल देखा तो 8 घंटे की रेंज में जो गाड़ियां आ रही थीं उनमें पहुंचने वाली ट्रेनों की सूची देखी तो 27 ट्रेनें लेट चल रही थी, जिनमें न्यूनतम 23 मिनट लेट 11055 गोदान एक्सप्रेस और अधिकतम 29 घंटे 3 मिनट की लेट शहीद एक्सप्रेस। ना गोदान का को रह की मुरव्वत है ना शहीद एक्सप्रेस की, आप हालत देखिए। मुख्यमंत्री को अगर चुनावी सभा में कहीं रेल मंत्री मिल जाए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो उनसे कह सकते हैं कि गोरखपुर आने जाने वाली गाड़ियों की हालत खराब क्यों है, वहां टाइम पे चलवा दीजिए, प्राइम टाइम वाले पीछे पड़े हैं। यही नहीं, चुनावी मौसम में गोरखपुर से बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन जाने वाली ट्रेन 42 घंटे देरी से चल रही है। 12591 गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस को 5 मई को सुबह 6:35 पर रवाना होना था लेकिन यह 31 घंटे 35 मिनट लेट होकर 6 मई को गोरखपुर से दोपहर 2:10 पर यशवंतपुर बेंगलुरु के लिए रवाना हुई है। अभी यह ट्रेन यशवंतपुर पहुंची भी नहीं है और 42 घंटे की देरी से चल रही है। 15024 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस 5 तारीख को 7:45 पर पहुंचने के बजाय 6 तारीख को 11 घंटे की देरी से पहुंची। यह ट्रेन यशवंतपुर से 3 मई को सही समय पर 11:40 पर खुली थी। 12511 राप्ती सागर एक्सप्रेस जो गोरखपुर से तिरुवनंतपुरम तक जाती है 6 मई को सुबह 6:35 पर रवाना होने वाली थी लेकिन यह 7 मई को गोरखपुर से चली 6:05 पर, यानी 23 घंटे 30 मिनट की लेट। 12322 कोलकाता मेल जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कोलकाता के बीच चलती है, यह ट्रेन 6 तारीख को 9:30 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चलनी थी लेकिन यह 9:53 की देरी से रवाना हुई। इसे 8 तारीख को 11:45 पर हावड़ा पहुंचना था लेकिन अंतिम बार जब हमने चेक किया था तब यह ट्रेन 15:25 की देरी से चल रही थी। हमने प्राइम टाइम की रेल सीरीज में सीमांचल एक्सप्रेस का काफी जिक्र किया जो बिहार के अररिया के जोगबनी से चलकर आनंद विहार आती है। किसी दिन यह ट्रेन 20 घंटे किसी दिन 30 घंटे घंटे ही घंटे देर चलती है। प्राइम टाइम का असर यह हुआ कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की तरह 8 मई को सुबह अपने समय पर यह सीमांचल चली है। वैसे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो जयनगर पहुंचने वाली है वो भी कुछ घंटे की देरी से अब हो गई है, 2-3 घंटे उसमें भी देरी आ गई है। मगर ये जो सीमांचल समय से खुली थी यूपी के मिर्जापुर पहुंचते पहुंचते 3:40 देर हो गई। 11 मार्च 2016 को यह 2 साल पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा देरी को लेकर राज्यसभा में एक लिखित बयान देते हैं। इस बयान में देरी के कई कारण बताए उन्होंने और यह भी बताया कि देरी को ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े स्टाफ को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो कह रहे हैं टाइम टेबल में सुधार किया जा रहा है, नए ढांचों के जरिए कैपेसिटी क्षमता में सुधार किया जा रहा है, रेलवे ने नया आईटी सिस्टम आईसीएमएस लगाया है, इसके जरिए ट्रेनों के समय की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो कोई देख नहीं रहा क्या कि 40 घंटा और 71 घंटा ट्रेन लेट चल रही है। ट्रेनों के समय को लेकर विश्लेषण भी किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया। 2 साल पहले यह सब किया जा चुका था या और किया जा रहा था उनके बयान के अनुसार, क्योंकि 11 मार्च 2016 का यह बयान है। 2018 मई में भी वही स्थिति है तो काम का क्या रिजल्ट निकला, काम पूरा क्यों नहीं हुआ। 3 मई की पीटीआई की खबर है कि रेलवे में लेट चलने वाली ट्रेनों के प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी अनुशासन में 5% की गिरावट आई है। सुशील महापात्रा ने जनसंपर्क अधिकारी राजेश वाजपेयी से बात की, उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से प्राइम टाइम में आम ये दिखा रहे, एक सीरीज चलाया है कि कैसे जो ट्रेन है वो लेट हो रही है। हम लोग ने दिखाया कि ट्रेन 57 घंटा लेट होते हैं, इसके बाद 30 घंटा, 35 घंटा, 20 घंटे से भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेन है जो 20 घंटे से ज़्यादा लेट होते हैं। तो सर थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि करीब 19 अगस्त 2017 को एक एक्सीडेंट खतौली में, एक बड़ा दुखद एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी, और वो सब हमारे यादों में अभी ताज़ा है। उस एक्सीडेंट के बाद एक कॉन्शियस निर्णय लिया गया था कि रेलवे में जो भी हमारे मेंटेनेंस वर्क हैं या ट्रैक अपग्रेडेशन के वर्क हैं उनको एक मिशन मोड में ला के हमको करना है। इन्हीं सारे वर्क्स को हम अभी अंजाम दे रहे हैं। इस समय रेलवे एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ जो भी कुछ कई सालों के जो बैकलॉग वर्क था, चाहे वो पटरी का बदलीकरण हो, चाहे ब्रिज का रिपेयर हो, चाहे वो अनमैन लेवल क्रॉसिंग को हटाना हो, वो सारी चीज़ों का अपग्रेडेशन में हम लोग पूरी तरह से लिप्त हैं। राजधानी समय पे पहुंचती है, शताब्दी समय पे पहुंचती है, लेकिन जनरल ट्रेन नहीं पहुंचती है। देखिए, इंडियन रेलवे 13,000 ट्रेन चला सकती है। अगर 13,000 में से हमारी पैसेंजर ट्रेन की क्षमता बहुत कई ज़्यादा है, इसमें हर तरह की ट्रेन का अपना एक शेड्यूल बना हुआ है, अपनी एक टाइम बनी है, एक प्रायोरिटी शेड्यूल बना हुआ है। जो प्रायोरिटी शेड्यूल हम लोगों ने घोषित की हुई है, अपने पैसेंजर्स को बताया हुआ है ट्रेनों के, उसी के हिसाब से हम ट्रेनों को चलाते हैं। राजधानी शताब्दी हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, इनका प्रायोरिटी शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से चलती हैं। पैसेंजर ट्रेन हमारी जो बाकी ट्रेन्स हैं, वो ट्रेन्स कम्यूटर ट्रेन्स, उनकी भी प्रायोरिटी रहती है, उनको भी हम प्रायोरिटी से चलाते हैं। तो उसी शेड्यूल के तहत हम सारी ट्रेन्स चलाते हैं। ठीक है। और एक सवाल सर मेरा ये है कि जैसे मैं जनरली मैं जानता हूँ कि आप पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, एक जननायक एक्सप्रेस है जो अमृतसर से वो आपका दरभंगा के लिए चलती है, जो 57 घंटा लेट में आज पहुँची है 1:30 बजे। और कल हम लोग ने दिखाया था कि पटना से कोटा के लिए चलने वाली जो ट्रेन थी वो भी 50 घंटा से ज़्यादा जो लेट थी, और बच्चे ही कह रहे थे वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे और नहीं दे पा रहे हो। तो ये थोड़ा लगता नहीं आपको ये नुकसान हो रहा है लोगों की? देखिए, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि 13,000 ट्रेन इंडियन रेलवेज चलाती है, करीब करीब 3 करोड़ यात्रियों को हम ले जाते हैं। एक एक ट्रेन के पीछे अगर 5 ट्रेन को लेके हम लोग इसको नेशनल इश्यूज़ बनाएंगे तो कभी भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा रेल मंत्रालय, सभी लोग कर अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं उसको उससे जोड़ के देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। कोई 2-4-5 ट्रेन लेट हो सकती है, मानते हैं, जब भी हमारे नॉलेज में लाया जाता है उसमें तुरंत एक्शन होता है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। मनोज सिन्हा 2016 में बताए थे मार्च के महीने में कि ट्रेन को समय में चलाने के लिए, समय पर चलाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब 2 साल हो गया सर, 2018 हो गया, लेकिन फिर भी जो है कुछ नहीं हो पाया, फिर भी ट्रेन जो है वो लेट चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर बताऊँगा कि 2017 एक दुखद दिन था, 19 अगस्त 2017 जिसमें ये घटना हुई थी खटोली की, और उस समय मीडिया के सब आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी पब्लिक को दी गई थी, और उसी समय ये कॉन्शियस निर्णय लिया गया था कि हम लोग इस जो मेंटेनेंस वर्क है हमारे, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक है, उसके लिए जो गाड़ियों को थोड़ा रोकना भी पड़े तो हम लोग रोक के उनको प्रायोरिटी में करेंगे। और हमारा वो वादा अपने आप से किया हुआ, आपसे किया गया, अभी भी हम उस पर कायम हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की एक्सीडेंट्स की पुनरावृत्ति ना हो। प्रयास हमारे जारी हैं, उसमें पंक्चुअलिटी में 5% की गिरावट हुई है, हम मानते हैं उसको। इंटीग्रेट कोचिंग मेंटेनेंस सिस्टम की जो बात हो रही थी, मनोज सिन्हा अजी उस वक्त बताए थे कि वो जो है उसका निगरानी कर रहे हैं ट्रेन की, इसका क्या हुआ सर? अब देखिए, ICMS हमारा एक प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेट कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंक्शनल है, और जो इसमें कोचिंग का मैनेजमेंट सारा ICMS के थ्रू होता है। क्रिस से हमारा ये डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इस तरह के और सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आप लोग कभी आइए, वेलकम है, आप लोग आके देखिए उसमें किस तरह से काम हो रहा है। मंत्री जी जो है वो राज्यसभा में बोलते हैं 2016 में कि हमने ट्रेन को सही समय में चलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन 2 साल में सर कोई बदलाव नहीं हुआ, क्या आप इसको मानते हैं कि आपकी तरफ से अब भी कई कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे वो नहीं रखता हूँ कि कोई बदलाव नहीं हुआ। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, हर जो प्रयास होता है, आपको मालूम है कि रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, अगर कोई भी कदम आज उठाए जाएंगे तो उसका हो सकता है परिणाम आपको 6 महीने में ना मिले, साल भर में ना मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले। जो इतने वर्षों से जो कई सारे काम पेंडिंग थे जो अब हम लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको जल्दबाजी में नहीं मिलेगा। जवाब सुन के लगता है कि इतने वर्षों से कोई रेल मंत्रालय में काम ही नहीं कर रहा था, मतलब रेलगाड़ियां ही नहीं चल रही थी, लेकिन क्या आपको इनके जवाब से आपको जवाब मिला? क्या सिर्फ 4 या 5 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं? क्या आपको पेंशन चाहिए? बात है एक दूसरे सवाल, पेंशन चाहिए आपको, नहीं चाहिए या चाहिए, इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए। रेल कर्मचारी इस सवाल को लेकर संघर्ष पर उतर आए हैं।
मेरे ख्याल से वाजपेयी जी को भी पेंशन चाहिए। 8 मई को देश के कई रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। रेलवे यूनियन के सदस्य धरने पर बैठे हैं, टिकट काटने वाले हैं। इसमें ड्राइवर हैं जिसे लोको पायलट कहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, ट्रैकमैन हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं, वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इन सबको सिर्फ एक ही बात चाहिए, एक जो चाहिए उसकी बात कोई नहीं कर रहा, इन्हें पेंशन की पुरानी व्यवस्था चाहिए। अब इन कर्मचारियों को 2000 में लागू न्यू पेंशन स्कीम की हकीकत समझ में आने लगी है, इन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन चाहिए। हाल ही में दिल्ली में भी हजारों की संख्या में कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर देश भर से जमा हुए, जिसे मीडिया ने कवर नहीं किया। मीडिया और नेता भले पेंशन के सवाल पर बात ना करें, मगर आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से मिल लीजिए, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेंशन के सवाल से उलझा हुआ है। जो इनके सवाल पर वादा करेगा वो इनका नेता भी हो सकता है, मगर नेता जानता देना नहीं है, नेता खुद ही पेंशन ले लेता है तीन तीन जगह से। आप किसी सरकारी कर्मचारी से पूछिए कि उसे न्यूज़ चैनल पर क्या चाहिए, तो वो कह देगा पेंशन पर चर्चा कीजिए ना। नेताओं के झूठ और चालाकी से भरे चुनावी भाषण तो सब कहेंगे कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, वो सब चलता रहता है। यह तस्वीर दरभंगा रेलवे स्टेशन की है, यहाँ भी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए मांग कर रहे हैं। रेल यूनियन के नेता शिवगोपाल मिश्र का कहना है कि पेंशन के अलावा रेलवे में 2,00,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाए। अभी सिर्फ 90,000 की ही वैकेंसी क्यों निकली है, 2,00,000 की वैकेंसी निकलनी चाहिए। रेलवे यूनियन ने 72 घंटे का यह क्रमिक प्रदर्शन शुरू किया है। शिवगोपाल मिश्र का दावा है कि 60 से 70 हजार कर्मचारी पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठे। 11 जुलाई 2016 में हम लोगों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हमारी मुख्य मांगे थी कि जो नई पेंशन स्कीम लाई गई है, ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये पेंशन जो है बाजार में लगाई जा रही है और बाजार कब डूब जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमको गारंटीड पेंशन दो, हमको एश्योर्ड पेंशन दो, हमारी पुरानी जो डिफाइंड पेंशन नीति है उसको बहाल करने का काम करो। मैंने सुना है कि इस पेंशन स्कीम जो है ये कंपलसरी शायद नहीं है, ये आप इस पेंशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं या नहीं करते ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये कर दें, हमने उसको कहा इस बात को, मैं नेशनल काउंसिल JCM का सेक्रेटरी स्टाफ साइड हूँ, मैंने कहा कि अगर आपको लगता है ये स्कीम इतनी अच्छी है तो आप ऑप्शनल कर दीजिए इसको, जो चाहे वो ले ले, तो वो बात नहीं है। सरकारी कर्मचारी को कंपलसरली बिना PFRDA एक्ट आए हुए इन्होंने एक चिट्ठी निकाल करके इसको लागू कर देने का काम किया। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो पेंशन स्कीम है इसकी अदर फैमिली पेंशन नहीं है, अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है तो शायद उसके परिवार को जो है पेंशन नहीं मिलेंगे, ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन हमने जब इसमें देखा था, सरकार ने राजस्व में एक जवाब दिया था 2014 में जिसमें कहा कि नहीं इसकी अंदर फैमिली पेंशन है। देखिए, ये बात सही है कि पहले इसमें फैमिली पेंशन बिल्कुल नहीं थी और आज की तारीख में भी फैमिली पेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि नेशनल काउंसिल JCM ने इस सवाल को उठाया तो इन्होंने अभी फिलहाल एक सरकारी आदेश जारी कर रखा है कि अगर अभी किसी की डेथ हो जाती है, जब तक कि हम इसको फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसको जो है वो फैमिली पेंशन मिलेगी और पुराना सेटलमेंट भी पुरानी पेंशन नीति के तहत होगा। लेकिन जो वर्तमान PFRDA एक्ट है उसमें फैमिली पेंशन का कोई भी जो है वो प्रोविजन नहीं है। अभी नई जो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के यहाँ भेजी गई है। तो ये है जो 4 रेक और 4 आदमी मिलते हैं, अब बताइए जो 4 रेक में एक में 24 कोच होता है, वो आदमी कैसे उसको वर्क करेगा, मेंटेनेंस कैसे करेगा? या तो ये हमारे रेल मंत्री बता सकते हैं या हमारे जो बड़े पदाधिकारीगण हैं जो DRM लेवल के या लोहानी साहब जो कम एम्प्लॉय आपके कम हो गया, लोग जो काम करते थे इतना लंबा पीरियड ड्यूटी रख रखा है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हम अपने परिवार को देख ही नहीं पाते। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हम लाइन पर रहते हैं और 4 घंटे का हमारा बीच में लंच दे रखा, वो भी हम लाइन पे करते हैं, हमें कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दे रखी कि जो भाई हम ट्रैक का काम करते हैं। आप ट्रैक जो बिछाना, ट्रैक बनाना, ये सब चीज का काम करते हैं? ट्रैक का काम करते हैं, मेंटेनेंस का वर्क करते हैं। ना तो हमारा कोई बीच में हमें 3 घंटे का लंच रखा ज्यादा गर्मी की वजह से, मगर उसमें कोई भी सुविधा ऐसी कहीं हमें उपलब्ध नहीं करा रखी जहाँ हम आराम कर लें। हम तो वही रोडियो पे बैठ के आराम करते हैं, वही हमारा। कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होती है? अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसियाँ खाली हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है। करीब करीब जो लोग
बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे, आजकल जो पढ़े लिखे लोग को भर्ती कर रहे हैं वो छोड़ के भाग जाए, वे वैकेंसी खाली पड़ी रह जाए। ऐसे कोई नया टेक्नोलॉजी आया है क्या ट्रक की मरम्मत के लिए, कुछ ऐसा कुछ सरकार ने लाई है? देखो नया ट्रैक बिछाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई हो, मगर जो हम मेंटेनेंस करते हैं उसके लिए हम अभी पुराने ही तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि न्यूज़ चैनलों पर नेताओं के बयानों का अतिक्रमण हो गया, कब्जा हो गया, ये अब हटेगा नहीं क्योंकि टीवी का चरित्र ही ऐसा है। जनता की मांग की चर्चा कहीं नहीं, नेता जो तय करते हैं वो जो बकवास बोलते हैं उसी की जनता के बीच चर्चा होती है और जनता भी वही दिन रात चर्चा करती है। जैसे जनता आजकल इन समस्याओं को छोड़कर नेहरू पे ज्यादा रिसर्च कर रही है, आप इसे समझिए, वरना पेंशन की मांग को लेकर मीडिया में चर्चा के लिए तरस रहे सरकारी कर्मचारियों से पूछ कर देखिए। बैंक के कर्मचारियों को 2% सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, उनसे पूछिए कि दिन रात छटपटा रहे हैं कि टीवी पे क्या चलना चाहिए, कोई उनके सवाल पे चर्चा नहीं करेगा। जनता बेचैन घूम रही है, न्यूज चैनल चैन से नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। एक नेशनल सिलेबस है आपके देश में जिसके तहत समय समय पर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसका संबंध हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से होता है, नफरत से होता है, कुछ नहीं होता है तो नेहरू से होता है। बाकी आप समझदार हैं, हम ब्रेक लेते हैं।